जैन साथियों, मैं आपका केपीजे स्टार एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपके केपीजे स्टार के चैनल में। आज की बात करने पर यहाँ पे टीए आर्मी भर्ती 2021 के बारे में। तो काफी सारे लड़कों के कमेंट आ रहे थे कि सर जोन वन की भर्ती कब होगी टीए आर्मी की, सर जोन टू की कब होगी, जोन थ्री की कब होगी, जोन फोर की कब होगी। तो आज आपको टीए आर्मी भर्तियों के बारे में इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। तो वीडियो स्टार्टिंग से लेके अंतिम तक यहाँ पे जरूर देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं, अगर आप भारत के किसी भी राज्य से हैं, अगर आप अपने राज्य की टीए आर्मी भर्ती के बारे में जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पे पूरे भारत की टी आर्मी भर्तियों के बारे में यहां पे जानकारी दी जाती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में और जोन वन में कौन से राज्य आते हैं, जोन टू में, जोन थ्री में, जोन फोर में। तो आपको सभी यहां पे बताता हूं, तो वीडियो पूरी अंतिम तक आपने देखनी है। तो आपको बता दूं, जहां आप देख सकते हैं जोन वन में जो राज्य आते हैं, सबसे पहले जोन वन में आता है हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये जो जोन वन में जो राज्य आते हैं उनका नाम है हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। ये जो राज्य हैं ये जोन वन में आते हैं। जोन टू की बात करूं, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड उत्तराखंड। ठीक है, ये जो राज्य हैं ये जोन टू में आते हैं। जोन थ्री की बात करूं तो जोन थ्री में सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, अंडोवार, निकोबार। ठीक है, ये जो राज्य हैं ये जोन थ्री में आते हैं। जोन फोर की बात करूं तो जोन फोर में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा, दर्दर नगर हवेली, लक्षद्वीप, उसके बाद पौंडुचेरी। ठीक है, ये जो राज्य हैं ये जोन फोर में आते हैं। तो आपको अच्छी तरह पता चल गया होगा कि जोन वन में कौन से राज्य आते हैं, जोन टू में कौन से राज्य आते हैं। तो बाकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आपको नहीं पता चल रहा तो ये चीज आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो अब आ जाते हैं, एज कितनी ली जाती है टीए आर्मी में, आपकी क्वालिफिकेशन कितनी ली जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे एज के बारे में। तो आपको बता दूं, काफी सारे लड़के पूछ रहे थे कि सर टीए आर्मी की भर्तियों में जो एज होती है वो यहाँ पे कितनी ली जाती है। तो आपको बता दूं, टीए आर्मी में 18 से लेके 42 साल तक जो आपकी एज है वो यहाँ पे ली जाती है, यानी कि 18 ईयर से लेके 42 ईयर के बीच अगर आप हैं तो आप टीए की भर्ती देख सकते हैं। टीए में बहुत ज्यादा एज ली जाती है। ठीक है, तो आपको बता दूं कोई दिक्कत आपको नहीं है। हाइट की बात करूं, पूरे भारत में 160 सेंटीमीटर जो आपकी हाइट है टीए आर्मी में वो यहाँ पे ली जाती है, यानी कि 160 सेंटीमीटर जो आपकी हाइट है वो यहाँ पे पूरे भारत में ली जाती है, 5.33 फीट। ठीक है, 5.33 फीट जो आपकी हाइट है वो यहाँ पे ली जाती है 160 सेंटीमीटर। चेस्ट की बात करूं, 77 आपकी चेस्ट ली जाती है भाई, 77। ठीक है, 77 आपकी चेस्ट ली जाती है, 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए, टोटल आपकी 82 होनी चाहिए चेस्ट। ठीक है, 82। तो वेट की बात करो, 50 kg आपका वेट लिया जाता है। ठीक है, 50 kg जो आपका वेट है टीए आर्मी में वो यहाँ पे लिया जाता है। तो अब बात कर लूं सोल्जर जीडी के लिए, तो काफी सारे लड़कों के कमेंट आते हैं कि सर क्वालिफिकेशन क्या रहती है, परसेंटेज क्या रहती है। तो आपको बता दूं, सोल्जर जीडी के लिए आपकी इसमें 10th पास ली जाती है, यानी कि अगर आप 10th पास हैं, अगर आप सोल्जर जीडी की भर्ती देखना चाहते हैं तो आपकी 10th पास होनी चाहिए, जिसमें आपके 45% जो मार्क्स हैं वो यहाँ पे होने चाहिए। ठीक है, 10th पास और 45% जो आपके नंबर हैं वो यहाँ पे होने चाहिए। मान के चलिए अगर आपकी 10th पास है, 45% नंबर नहीं है, तो फिर अगर आपकी 12th पास है, अगर आप 10+2 हो, यानी कि अगर आपकी 12th पास है, बेशक आपके 10th में 45% नंबर नहीं है, फिर भी अगर आप 12th पास है तो आप सोल्जर जीडी की भर्ती देख सकते हैं। ऐसा इंडियन आर्मी में नहीं होता, लेकिन टीए आर्मी में ऐसा होता है। इंडियन आर्मी में ऐसा होता है कि अगर आपके 10th में 45% नहीं है, बेशक आपके 10+2 हो, चाहे आपने ग्रेजुएशन की हो, तो आप भर्ती नहीं देख पाते इंडियन आर्मी में। लेकिन टीए आर्मी में ऐसा नहीं है। टीए आर्मी में ऐसा है कि अगर आपके 10th में 45% नंबर नहीं है, अगर आपकी 12th पास है, तो भी आप सोल्जर जीडी की भर्ती देख सकते हैं। तो क्लर्क की बात करूं तो आपको बता दूं, टीए में जो क्लर्क की क्वालिफिकेशन होती है वो 10+2 होती है, यानी कि 12th पास क्लर्क के लिए मांगी जाती है, जिसमें 60% जो आपके नंबर हैं वो यहां पे होने चाहिए। ठीक है, तो आपको बता दूं 50% हर सब्जेक्ट में होने चाहिए, इसमें आर्ट्स, कॉमर्स, जो साइंस है आपके, ये सब्जेक्ट यहां पे चल जाते हैं। ठीक है,
तो आगे उसके बाद मैं आपको बता दूं, अगर आपकी इंग्लिश है जे भी चल जाएगा, मैथ है जे भी चल जाएगा, लेकिन हर सब्जेक्ट में 50% से ऊपर आपके नंबर होने चाहिए क्लर्क के लिए, और टोटल आपके 60% से जो ऊपर नंबर है वो यहाँ पे होने चाहिए। तो अब बात आ जाती है यहाँ पे ट्रेडमैन की। तो आपको बता दूं, ट्रेडमैन अगर आप 8वीं पास है, ट्रेडमैन की भर्ती 8वीं पास भी आती है और 10वीं पास भी आती है। जो लड़का 8वीं पास है वो 8वीं पास यहाँ पे ट्रेडमैन की भर्ती देख सकता है, जो लड़का यहाँ पे 10वीं पास है वो यहाँ पे 10वीं पास जो भर्ती है वो यहाँ पे देख सकता है। तो अब बात आ जाती है रनिंग की। तो आपको बता दूं, टीए आर्मी में रनिंग का कोई टाइम नहीं होता है। मान के चलिए 100 लड़के दौड़ रहे हैं, अगर 100 में से 5 ले रहे हैं तो उन्होंने 5 ही लेने हैं, तो 6वां लड़का नहीं लेंगे। बेशक 100 में से अगर 5 लड़के उठा रहे हैं, बेशक जो 6वां लड़का होगा वो बेशक 5 मिनट में या 4:50 में भी पहुंचे, लेकिन उसको नहीं लेंगे। आपको बता दूं, टीए आर्मी में कोई भी आपकी रनिंग की टाइमिंग मैटर नहीं रखती, आपकी जो रनिंग में पोजीशन है वो यहां पे मैटर रखती है। जब भी आप टीए आर्मी में दौड़ लगाएं, यही कोशिश करें पहले दूसरे नंबर रहने की, क्योंकि पहले 5 के नीचे-नीचे जो कि लड़के उठाए जाते हैं, कई बार 100 में से 1 या 2 लड़के भी भर्तियों में उठाए जाते हैं, किसी भर्ती में 10 भी उठा लेते हैं 100 में से, ठीक है। तो इसलिए आपको कह दूं, प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए टीए आर्मी के लिए। अगर आप घर में प्रैक्टिस कर रहे हो, घर में दौड़ लगा रहे हो, तो अच्छी बात है। और घर में जो आपका टाइम है 1600 मीटर का, नॉर्मली 4:50 से नीचे जो आपका रनिंग का टाइम है घर में होना चाहिए, अगर आप टीए आर्मी की दौड़ यहाँ पे पास करना चाहते हैं, ठीक है। 4:50 के नीचे आपका घर में टाइम होना चाहिए अगर आप टीए आर्मी में दौड़ पास करना चाहते हैं। तो बाकी अब बात रही भर्तियों की, Zone 1, Zone 2, Zone 3, Zone 4। तो आपको बता दूं, अभी तक जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन होता है टीए आर्मी की तरफ से वो तो नहीं आया है। पिछले कुछ दिनों से जोन 4 का एक नोटिफिकेशन यहाँ पे वायरल हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि टीए आर्मी के जो फॉर्म है वो यहाँ पे ऑनलाइन लग रहे हैं। तो आपको बता दूं, आप सबको सिर्फ यहाँ पे बेवकूफ बनाया जा रहा है। किसी बंदे ने खुद यहाँ पे एक ऑफिशियल वेबसाइट बनाई है जो सिर्फ 200 रुपए कमा रहा है, हर बंदे से 200 रुपए उसने फी रखी है। और आपको बता दूं, टीए आर्मी का जो फॉर्म ऑनलाइन लगता है ना जोन 4 में, आपको बता दूं पूरे भारत में जोन 1 जोन 2 की जो भर्तियां होती हैं वो खुली होती हैं, उनमें कोई भी फॉर्म नहीं लगते, खुली रैली होती है, सीधे आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है। जोन 3 और जोन 4 की कुछ भर्तियां ऐसी होती हैं जहां पे आपके फॉर्म लगते हैं, उसका बड़ा कारण है कि लड़के बहुत सारे होते हैं, इसलिए जोन 3 और जोन 4 की भर्तियों में कुछ इन्फेंट्रियों के अंदर यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म लगाए जाते हैं। और आपको बता दूं, टीए आर्मी की तरफ से आपके जो ऑनलाइन की फी होती है वो बिल्कुल जीरो होती है, ठीक है। टीए आर्मी के जो फॉर्म के लगते हैं जी, बिल्कुल 0 रुपीस आपकी फी होती है, आपकी कोई भी यहाँ पे फी नहीं काटी जाती, बिल्कुल फ्री आपका फॉर्म भरा जाता है। तो वो लड़का जो इस समय जिसने ये एक नोटिफिकेशन निकाला है जोन 4 का ऑनलाइन फॉर्म का, वो नोटिफिकेशन बिल्कुल फेक है। आप सबको बता दूं, वो सिर्फ आपसे पैसे कमा रहा है, तो आप सब इस तरह की झूठी न्यूज पे मत विश्वास करें। बाकी मैं आपको बता दूं, जोन 1 जोन 2 जोन 3 जोन 4 यानी कि पूरे भारत में जो आपकी टीए आर्मी की भर्तियां हैं इस साल के एंडिंग में आपको देखने को मिल जाएंगी, और सितंबर के एंडिंग में पूरे भारत में कहीं ना कहीं आपको एक आध जो भर्ती है वो यहां पे जरूर देखने को मिल जाएगी। और आपको बता दूं, आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर अंदर जो टीए आर्मी भर्तियों का नोटिफिकेशन है वो भी यहां पे आना शुरू हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, जैसे ही अगर कोई भी जानकारी आती है तो आपको मेरे से प्राप्त हो जाएगी। और आप सबको यही कहना चाहूंगा, अगर आप हमेशा 100% सही न्यूज, 100% अगर सही न्यूज पाना चाहते हैं अपने राज्य की टीए आर्मी की भर्ती के बारे में, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर, क्योंकि मेरे चैनल पे जो भी न्यूज यहां पे दी जाती है वो सीधा टीए आर्मी के सेंटर से यहां पे कंफर्म करके दी जाती है। तो बाकी कोई दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। क्वालिफिकेशन के बारे में आपको पता चल गया, हाइट कितनी ली जाती है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो परसेंटेज कितनी होगी, क्या नहीं होगी, सारा कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। एज आपकी क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया है। भर्तियां आपकी इस साल के एंडिंग में हो जाएंगी, सितंबर के एंडिंग में भर्तियां शुरू हो जाएंगी टीए आर्मी की। और जैसे कोई नोटिफिकेशन आता है तो आपको मेरी तरफ से जानकारी मिल जाएगी। तो इसी तरह टीए आर्मी से जुड़ी न्यू से न्यू जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तब तक सबको जय हिंद, जय भारत।